अब भारत से रूस की दूरी को रेल से तय किया जा सकता है। जी हाँ, जल्द ही भारत को रूस और मध्य एशिया के देशों को जोड़ने वाला नया उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा तैयार होने वाला है, जिसके तैयार होने का अनुमान 2017 तक लगाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जल्द ही भारत और रूस के बीच रेलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और इसी के साथ ही भारत से रूस और रूस से भारत रेल से आना जाना संभव हो जाएगा। यह रेलगाड़ी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और फिनलैंड के हेलसिंकी नगरों से चलकर भारत के मुंबई तक सफर तय करेगी। इसका पहला परीक्षण आने वाले 3-4 हफ्तों में किया जा सकता है। रूस रेलवे के उपाध्यक्ष अलेक्सेंडर मिशारिन के मुताबिक पहले इस नए रेल मार्ग पर मालगाड़ियां चलाकर देखी जाएगी और पहली मालगाड़ी मुंबई से आगामी 7 अगस्त को मॉस्को के लिए रवाना होगी। मालगाड़ी के सफल संचालन के बाद मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग के बीच यात्री ट्रेन की भी शुरुआत की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि इस नए रेल मार्ग का रास्ता किन किन देशों से होकर गुजरेगा। मुंबई से यह रेलगाड़ी पानी के जहाज से ईरान के बेंदेर अब्बास बंदरगाह तक पहुंचेगी। इसके बाद यह रेलगाड़ी ईरान के रेश्त शहर तक जाएगी। चूंकि अभी ईरान की उत्तरी सीमाओं पर बसे रेश्त और अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा के बीच रेल लाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस मालगाड़ी पर लदे सारे कंटेनर सड़क मार्ग से अस्तारा ले जाए जाएंगे, जहां से इन कंटेनरों को फिर से रेलगाड़ी पर लाद दिया जाएगा और मॉस्को रवाना किया जाएगा। इस तरह उत्तरी दक्षिणी गलियारा नाम के इस रास्ते को पहली बार इस्तेमाल करके देखा जाएगा। अजरबैजान रेलवे जल्द से जल्द अस्तारा से ईरान की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का काम पूरा करेगी। अजरबैजान रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इस साल के आखिरी तक 8 किलोमीटर के इस टुकड़े पर रेल लाइन बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इस रास्ते पर रेलगाड़ी चलाने की पहल कैसे हुई और इसके शुरू होने के बाद व्यापार और यात्रियों को क्या क्या फायदा मिलेगा। अभी मुंबई से मॉस्को तक माल पहुंचाने में 40 दिन का समय लगता है। इस रास्ते के बनने के बाद मुंबई से मॉस्को तक पहुंचने में कुल 14 दिन का समय लगेगा। तब तक ईरान और अजरबैजान रेल मार्ग को आपस में जोड़ने के बारे में एक समझौता भी कर लेंगे। उसके बाद इस उत्तरी दक्षिणी गलियारे का बड़ी सक्रियता से इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 12 सितंबर 2000 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस, ईरान और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा उत्तरी दक्षिणी का निर्माण करने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में 2000 में अजरबैजान भी इस समझौते में शामिल हो गया और वह परियोजना में सहयोग करने लगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा परियोजना के अंतर्गत रेल लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद यह गलियारा अन्य वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्गों के मुकाबले बड़ा फायदेमंद साबित होगा। इस गलियारे की वजह से फारस की खाड़ी से यूरोप तक मालों की ढुलाई बहुत कम समय में और बहुत कम लागत पर होने लगेगी, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ भी होगा। डीबी लाइव के लिए मॉस्को से अनिल जनविजय की रिपोर्ट। बेशक इस गलियारे के शुरू हो जाने से भारत को काफी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है, साथ ही आसानी से रेल मार्ग के जरिए लोग भारत से रूस तक के सफर को तय करेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।